हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप के साथ मैं फॉलो करूँगी। देखिए, समर से स्टार्ट हो चुकी है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इस 5 या 6 स्टेप को अगर डेली यूज़ में आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो बहुत ही बेसिक्स और सिंपल जो प्रोडक्ट मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, उसी के साथ मैं आज ये फॉलो करके आपको दिखाऊंगी। ये जो प्रोडक्ट हैं, ये बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, केमिकल फ्री है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है क्लेंजिंग। हम अपने फेस को किस तरह अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो देखिए, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपना फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको एक ऐसा फेस वॉश देखना चाहिए जो आपके फेस को एकदम क्लीन करे और ऑयल भी कंट्रोल करे। अगर आपके फेस पे टैनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप टैनिंग के अकॉर्डिंग अपना फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है। तो आज मैं फेस वॉश जो अपने लिए पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ समर्स में, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, मेरा बहुत ज़्यादा, मैं मार्केट जाती हूँ, आना जाना लगा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना फेस वॉश यूज़ करें। तो ये है मामा अर्थ उपटन फेस वॉश। इसमें टर्मरिक और सैफ्रन है, ये हमारी रंगत को निखारता है। और सबसे अच्छी बात ये ऑल स्किन टाइप्स है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और इसने मेरे फेस को देखो कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारी जितनी मेरी स्किन में टैनिंग थी उसको रिमूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा टोनिंग। तो टोनर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। हमारी स्किन में जितने भी पोर्स की प्रॉब्लम्स है, पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, उनको मिनिमाइज करता है, हमारी स्किन में बहुत ही नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी, तो ये है गुड वाइफ का रोज़ ग्लो टोनर। ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हर स्टेप्स के बाद हमें ये कोशिश करें कि कुछ सेकंड्स का गैप लें, उससे हमारी स्किन में जो भी हम प्रोडक्ट लगाएंगे वो हमारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप हो चुका है हमारा कंप्लीट। थर्ड स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। अब कई लोग पूछते हैं कि हमें समर्स में के मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मॉइस्चराइज़र हमें अपने फेस पे रेगुलर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, उससे हमारी स्किन की बिल्कुल ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, हमारी स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो आएगा। चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, हर स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है मॉइस्चराइज करना। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना फेवरेट पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही लाइट वेट है और मैं इसे ही डेली यूज़ में फॉलो करती हूँ, इतनी सी क्वान्टिटी इनफ है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप समर्स में एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइजिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अंडर आई क्रीम। हमें
हमें अपनी आईज के नीचे जरूर कोई सी भी, आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कोई भी अंडर आई क्रीम ले लीजिए आप अच्छी सी। मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर की रिकमेंडेड आईज क्रीम है, बहुत अच्छी अंडर आई क्रीम है। मेरे थोड़े डार्क सर्कल पहले मैं लगाती थी तब मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी, बट अब मैंने छोड़ दी थी तो दोबारा मुझे 19-20 प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो डेली अब मॉर्निंग में मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो समर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सनस्क्रीन लगाना, सन सेफ। हमें अपने पूरे फेस को सन से कैसे सेफ करना है, चाहे हम घर में हो चाहे हमें कहीं बाहर जाना हो, उससे आधे घंटे पहले हमें अपने फेस पर सनस्क्रीन लगा लेना है। तो ये है लोटस हर्बल्स का सेफ सन, ये ऑयल कंट्रोल है और मैट लुक देता है हमारी स्किन को। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ईजी है, थोड़ी सी क्वांटिटी हमें लेनी है और अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है। इस स्टेप को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हमारा अपने लिप पर लिप बाम लगाना, जो क्योंकि हमारे लिप जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके समर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होता है हमारा एकदम कंप्लीट। लास्ट एंड फाइनल टिक जो मैं अब आपको बताऊंगी वो समर्स में आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा। हमें समर्स में मॉर्निंग में नाइट तक लेकर बहुत अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है, वरना हमारी स्किन बिल्कुल मुरझा जाएगी, बिल्कुल ही डल हो जाएगी। जैसे पौधों को हम पानी देते हैं और वो खिले खिले रहते हैं, यही हमारी स्किन की कंडीशन है। जितना हम पानी पिएंगे, जितना उसको हाइड्रेट रखेंगे, उतनी ही हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन को भी कर दीजिएगा हिट, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाए। तो फ्रेंड्स ओके, टाटा, बाय बाय।